नमस्कार दोस्तों, एनएस में आपका स्वागत है। मैं अंकित। दोस्तों आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ JioFi के बारे में। दोस्तों अभी JioFi आपको बहुत ही सस्ते में यानी कि 999 रुपये में आपको मिल जाएगा और इसका मॉडल भी बहुत सुंदर किया है, देख सकते हैं आप ये है। और इसके बॉक्स के अंदर दोस्तों आपको एक चार्जर मिलता है जो नॉर्मल सा चार्जर है, फर्स्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं करता है। और मेरे हिसाब से अगर पकड़े तो 3.5 घंटा में ये चार्ज हो जाता है फुल्ली। 2100 mAh का बैटरी है दोस्तों इसके अंदर। और इसके ज़रिए दोस्तों आप 31 डिवाइस को आप कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, इंटरनेट के साथ। और दोस्तों बहुत अच्छी फैसिलिटी है अगर आप एंड्रॉयड यूज़ करते हैं या iOS यूज़ करते हैं। iOS में सॉरी दोस्तों अभी तक ठीक से नहीं हो रहा है, बहुत जिनका कंप्लेन आ रहा था। अगर आप एंड्रॉयड डिवाइस यूज़ करते हैं तो JioFi जो ऐप है वो डाउनलोड कर लीजिए और इसके साथ कनेक्ट कर लीजिए वाईफाई के ज़रिए। तो इससे होगा क्या दोस्तों, आप JioFi के ज़रिए कॉल कर सकते हैं, वो भी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए दोस्तों आपको इसमें कई किस्म के रिचार्ज फ्री अवेलेबल है। तो पहले तो आपको 99 रुपीज़ का जियो प्राइम रिचार्ज कराना पड़ेगा, ठीक है, और साथ में आपको 499 का प्लान ले सकते हैं, 349 का प्लान ले सकते हैं, 399 का प्लान ले सकते हैं। मैंने दोस्तों 499 का प्लान और 99 प्राइम रिचार्ज कराया। तो 499 प्लान में मुझे 91 डेज अनलिमिटेड 4G मिला है, मतलब डेली 1 GB करके, और 1 GB जब ख़त्म हो जाता है तो 2G का स्पीड मिलेगा मुझे, और अनलिमिटेड कॉलिंग और 100 SMS पर डे, जो काफ़ी अच्छा है मुझे लगता है, कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। और दोस्तों ये इसका जो बैटरी बैकअप है बहुत ही अच्छा है, करीब अगर मैं कंटिन्यू अगर कनेक्टेड रहता हूँ और यूज़ करता हूँ इंटरनेट तो करीब 7 से 8 घंटा ये चल जाता है। और रिचार्ज होने में दोस्तों चार्ज करने में इसको करीब 3.5 आवर्स यानी 3.5 घंटा टाइम लेता है। तो वैसे तो बहुत अच्छा है, देखने में बहुत सुंदर है। अब मैं आपको कुछ सिग्नल्स के बारे में दिखा देता हूँ इसमें क्या क्या है। जैसे ये पावर बटन है, ये WPS है। WPS आप सभी जानते ही होंगे, डायरेक्ट WPS के जरिए आप वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं अपने मोबाइल को। और ये पावर बटन तो कुछ देर में प्रेस कर रखता हूँ। देखिए दोस्तों ये बैटरी इंडिकेटर है, ये ऊपर वाला जो बैटरी का साइन आपको दिख रहा होगा, मैं थोड़ा अच्छा से फोकस करने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए दोस्तों ये बैटरी का साइन है, ठीक है, ये हो गया वाईफाई सिग्नल के लिए। और ये हो गया स्टैंड बाई मोड, मतलब कैसा चल रहा है उसके बारे में ब्लिंक करता रहेगा। और ये नेटवर्क मोड, नेटवर्क अगर रेड है तो दोस्तों नेटवर्क नहीं है, ब्लू है यानी कि लगभग ठीक ठाक है, ग्रीन है मतलब बहुत अच्छा है। सेम चीज़ बैटरी में भी है, ग्रीन ब्लू और रेड। ग्रीन मतलब हेल्दी बैटरी है, मतलब काफ़ी हाई बैटरी है, ब्लू है मतलब मीडियम है, और रेड है मतलब लो है। और वाईफाई का सिग्नल दोस्तों ब्लू है मतलब कनेक्टेड है, मतलब सॉरी कनेक्टेड नहीं है, मतलब ठीक ठाक सिग्नल है, और ग्रीन हो गया तो कनेक्टेड हो जाएगा। और ये दोस्तों ब्लिंक करता है हमेशा जब कनेक्ट रहेंगे तो ये ब्लिंक करता रहेगा, इससे मतलब पता चल जाएगा कनेक्टेड है या नहीं। तो इस टाइप से, और लॉन्ग प्रेस करते हैं तो इसका पावर ऑफ हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए एक माइक्रो यूएसबी पोर्ट का चार्जर है। तो ये जो चार्जर है ये माइक्रो यूएसबी पोर्ट से है, यानी कि आप अपने लैपटॉप से भी या कंप्यूटर से भी इसे चार्ज कर सकते हैं बहुत ईजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। तो ये प्रोडक्ट दोस्तों मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और इसका मॉडल जो है दोस्तों उसके बारे में क्या कहना, बहुत सुंदर लगता है ये देखने में। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा, अगर पसंद आए प्लीज़ लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।